दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको एक मिरर लगाना है और इस दीवार पे हम मिरर लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि घरेलू काम की जो भी वीडियोज होती है हम आप तक लाते रहे और उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, शीशे के पीछे साइड में दो माउंटिंग हुक है, यहाँ पर दो दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे गिट्टी और पेच भी आए हैं। तो इनको हमें यहाँ पर लगाना है और उससे पहले हमें यहाँ दीवार पर मार्किंग करनी होगी। यहाँ पर दीवार पर मार्किंग करेंगे कि किस जगह पर हमको ड्रिल से होल करना है, क्योंकि अगर हमने होल गलत कर दिए तो हमारा जो शीशा लगेगा वो शीशा सीधा ना लग के क्या होगा, तिरछा या टेढ़ा लग सकता है, तो और वो बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जिस दोस्तों ये शीशा है, देखिए आप अच्छी क्वालिटी का शीशा लेकर आए हैं हम अपने घर के लिए। इस शीशे को आज हम यहाँ पर लगाएंगे और आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पूरा ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर ये शीशा लगने वाला है, उससे पहले आप दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको इसकी आपके नापने के लिए आपको कोई स्केल होना चाहिए। स्केल नहीं है तो कोई इंची टेप जो आप घर में सिलाई में इस्तेमाल करते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। और आपको जरूरत होगी एक ड्रिल मशीन की, ड्रिल बिट की और हैमर की और स्क्रू ड्राइवर की, ये सब औजारों की आपको जरूरत होने वाली है। तो अब यहाँ हम लगाएंगे, तो हमें देखना है पहले, तो जब भी कभी आप लगाएंगे अपने वॉश बेसिन जो आपका है उससे आपको देखना है हाइट थोड़ा मेंटेन रखना है, कि उसके ऊपर आप जो मिरर लगाएंगे मिरर पे क्या है छींटे नहीं आने चाहिए। अगर पानी के छींटे आएंगे तो आपका मिरर जल्दी खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको थोड़ा हाइट ऊपर मेंटेन रखना है, कम से कम आप मान के चलिए लगभग 20 सेंटीमीटर की हाइट आपको मेंटेन रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, वॉश बेसिन के ये सेंटर में होना चाहिए पहली चीज़। तो ये जो आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है इसके हम सेंटर लेते हुए, सेंटर लेंगे, सेंटर को ही नापते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर और इतनी हाइट पर इसको लगाने वाले हैं। तो इस हाइट पर लगाने के लिए अब हमें क्या करना है, इनकी मार्किंग करनी है। तो आपको आप बताते हैं मार्किंग किस तरीके से करनी है। तो इस मिरर को लगाने के लिए हमको यहाँ से नाप कर भी देखना है कि अगर मैं सेंटर से कितना ऊंचाई पर लगाने वाला हूँ उसका भी मुझे खास ध्यान रखना है। इतना दूरी जो ये यहाँ से यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतनी दूरी आपको मेंटेन करनी है और यहाँ से इतनी दूरी पर मतलब लगा हमारा 13 इंचज का आ रहा है फैसला ये, तो बेसिन से आपको 13 इंच की दूरी पर टेप को नीचे से पेस्ट करना है। तो आपको बताते हैं किस तरीके से। तो ये हमारा मिरर का बैक साइड है, यहाँ पर दो माउंटिंग दिए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमको कील को लगाना है और वो इसके अंदर टंगेगा। तो साथ में शीशे के साथ में यहाँ पर टांगने के लिए हमारे कील भी आई है और ये साथ में गिट्टी भी आई है। तो ये कील और गिट्टी को दोनों को हमको लगाना है और ये दोनों हमारे माउंटिंग की लोकेशन है। तो यहाँ करना कैसे है दोस्तों, आपको इसका नाप ना कैसे लेना है, एक आपको कोई भी घर में टेप आपके पास अवेलेबल होगा उस टेप को आप ले लीजिए और उसको दोनों सेंटर से सेंटर तक लगाइए। आपको खींचना नहीं है टेप को, आराम से नॉर्मली लगाना है। इस तरीके से आप लगा देंगे यहाँ पर और जितना टेप आता है उसके आगे का एक्स्ट्रा टेप हटा दीजिए। तो इस तरीके से हमने टेप दोस्तों लगा दिया, ये देखिए आप सकते हैं टेप यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया है। और इसके बाद आपको मार्किंग करना है इसका सेंटर का होल। तो ये सेंटर का मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया, देखिए एक यहाँ और एक सेंटर यहाँ पर। तो इस तरीके से दोनों का होल का मार्किंग हो गया है, इस तरीके से अब मैंने मार्किंग कर दिया है। तो अब इसी टेप को मैं लेकर जाऊँगा वहाँ पर दीवार पर चिपकाऊँगा और दोनों सेंटर पर ड्रिल कर दूंगा। दूसरा यहाँ पर देखिए आप, ये दो यहाँ पर रबर और स्पॉन्ज दिया हुआ है, ये स्पॉन्ज एक्चुअल में डबल साइडेड टेप होता है। तो ये टेप जब भी हम लगाएंगे तो इसको हटा देंगे कि दीवार पर जब भी ये लगे तो ये चिपक जाए। तो ये लगा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीधे दीवार पर आपका जो मिरर है वो हिट होगा, वो सही नहीं रहेगा, उसमें डैमेज हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेप को यहाँ से लेकर जाएंगे और दीवार पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा वॉश बेसिन है, यहाँ से आपको सेंटर में नापना है और यहाँ से 13 इंचज देखना है, जो हमने अभी वहाँ पर नापा है कितनी हाइट पर हमको टेप लगाना है, ये वो दूरी है। तो यहाँ से 13 इंचज की जो हाइट आ रही है यहाँ पर हमको टेप लगाना है। ये हमने सेंटर पे लिया है दोस्तों, ये बिल्कुल वॉश बेसिन का सेंटर है, यहाँ सेंटर पे ही लेना है हमको, क्योंकि जो हमारी माउंटिंग है वो सेंटर पे ही है। तो इसके बाद जो आपको ये टेप लगाना है यहाँ पे आप सेंटर पे लगा देंगे इसको और इसको सीधा लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपको जाना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पर मार्किंग आ रहा है, एक मार्किंग यहाँ पे आ रही है, इन्हीं जगह पर हमको इस टेप को अभी लगाकर ही रखना है, टेप हटाना नहीं है और पहले यहाँ पर हमको ड्रिल करना है। तो यहाँ पर हम ड्रिल करते हैं,
और फिर आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरीके का आगे का प्रोसेस रहेगा। पर ही ड्रिल करेंगे बिल्कुल, ना ऊपर ना नीचे। गिट्टी लगा देनी है दोनों इस तरीके से। तो ये हमने गिट्टी लगा दी यहां पर दोस्तों। इसके बाद आपको ये टेप हटा देना है। यहाँ पर आपको अब गिट्टी के अंदर स्क्रू को लगा देना है, लेकिन पूरा नहीं कसना है, हल्का हल्का ऊपर रहने देना है। ध्यान रखना है आपको जब ये आप स्क्रू लगा रहे, तो देखिए मैंने यहाँ पर गैप मेंटेन रखा है, बिल्कुल दीवार तक बिल्कुल नहीं कसा है, जिससे कि आसानी से मैं इसको बाद में जब प्रेस इसको टांगूंगा तो यहाँ पर कुछ गैप मेंटेन जरूर छोड़ना है आपको, जिससे कि शीशे का जो हुक है उसके अंदर वो लग पाए। तो अब ये मैंने ड्रिल कर दिया, स्क्रू लगा दिया। अब मैं यहाँ पर शीशे को टांग कर देखनी है कि सेंटर पूरे तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों हमने लगा दिए स्क्रूज। अब यहाँ पर हमको ये शीशे के जो दोनों हुक हैं इनको यहाँ पर टांगना है। तो इनको मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले से कोई टेप लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे, जिससे कि आसानी से इसका सेंटर को हम मैच कर पाए। तो दोस्तों अब आप देखिए दोनों तरफ से हमारा शीशा टंग चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से, और अलाइनमेंट भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधा है, दीवार के साथ बिल्कुल सीधा ही आ रहा है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको टांगने में। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टंग गया, मजबूती से टंगा हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको घर में, अगर आपको शीशा लगाना है तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं।